13 जनवरी को उग्र किसान आंदोलन की तैयारी में कांग्रेस। राघोगढ़ विधायक ने गुना में ली वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग। किसान आंदोलन के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बनाई रणनीति। बैठक में पूर्व कैबिनेट मंत्री जयवर्धन सिंह सहित सैकड़ों वरिष्ठ कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता रहे मौजूद। जी हां, पूर्व कांग्रेस मध्य प्रदेश शासन कैबिनेट मंत्री व विधायक जयवर्धन सिंह गुना आए व राजीव गांधी कांग्रेस भवन में जयवर्धन सिंह ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग ली, जिसमें आने वाली 13 जनवरी को गुना में किसान आंदोलन के माध्यम से सरकार के समक्ष अपनी बात रखने हेतु कार्यकर्ताओं से चर्चा की। कार्यक्रम में उपस्थित गुना जिला कांग्रेस अध्यक्ष हरिशंकर विजयवर्गीय, गुना कांग्रेस ग्रामीण अध्यक्ष मानसिंह परसोदा, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सुमेर सिंह गड़ा, जिला कांग्रेस प्रवक्ता विश्वनाथ तिवारी के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इससे पूर्व नगर के हनुमान चौराहे पर कांग्रेस नेता रजनीश शर्मा और जिला महामंत्री राजेंद्र तिवारी व अन्य कार्यकर्ताओं ने पूर्व कैबिनेट मंत्री का फूल मालाओं से स्वागत किया। इंडिया खबर लाइव के लिए गुना मध्य प्रदेश से राहुल चौरसिया की एक रिपोर्ट। लेकिन मैं आपको खुदा कहूं, यहां पर बात मेरी सम्मान की बात नहीं है। आपको याद होगा जब गुना जिले में कांग्रेस के ऐसे थे तो और भी आप साथी आप ही बोलना चाहोगे पहले। 25 किसान भारतीय मांग कार्य पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी एक ट्रैक्टर और 25 किसान लेके आऊंगा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि गुना के आसपास जो बाहर है वो पूरे गांव ग्रामीण लगे तो कम से कम शहर का भी हक बनना, और आपके नेतृत्व में ऐसा होना चाहिए कि हाँ तो ठीक है दिल्ली तक कुछ उनको पता तो पड़े गुना में क्या होगा। वैसे हम तैयारी करेंगे और वैसे तो मैं ये बात कहूंगा तेरह तारीख को आप सबको जानकारी होनी चाहिए कि 13 को तो गुना में, 20 तारीख को मुरैना में, वहां पे बहुत बड़े सर्वे पर करेंगे और जुलूस निकालेंगे यहीं से मुरैना तक और फिर भोपाल में, उसके बाद दिल्ली भी चलेंगे।